हेलो फ्रेंड, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट सा बैंगन का भरता। इसके लिए मैंने तीन चार छोटे छोटे टमाटर ले लिए हैं, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है। ये जो हमने लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे से पीस लिया है। साथ में हम अब बैंगन का छिलका उतार लेंगे एक पानी के सहारे से। तो बैंगन अच्छे से भुन गया है, इसको हम पानी में डाल के इसका छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से बैंगन को पानी में डाल के हम ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका उतार के अच्छे से इसको मसल लेंगे। तो इसको अभी हम छिलका उतार के इसको मसल के फिर हम आपको दिखाते हैं। कढ़ाइया लिया है, उसमें तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तड़के में सिर्फ हींग और जीरा डालेंगे और बाकी मसाले हमारे पिसे हुए हैं। तो हींग और जीरा डाल के हल्का सा इसको ब्राउन करके सारे मसाले डाल के इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारा जीरा होने लगा है, हल्का सा ब्राउन होगा, जलने ना पाए। फिर हम इसमें जो हमने टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के रखा है वो सब डाल, जो तेल गरम किया था जीरा और हींग डाल के, उसमें हम जो पिसा हुआ हमारा ग्रेवी है टमाटर और अदरक और लहसुन का, उसको हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो हम चलिए इसको भूनते हैं। साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार और हल्का सा हल्दी डाल देंगे और साथ में इसको अच्छे से हम भून लेंगे। भरते के लिए टमाटर और मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो अच्छे से भुनने लगा है। अब हम इसमें चाहो अगर आपके पास मटर पड़ा हो तो थोड़ा सा मटर डाल दो, ताकि सब्जी के जो हमने बैंगन का भरता बनाया है उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मटर पड़ा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा एक कटोरी मटर डाल के थोड़ी देर भून लूँगी। तो चलिए मटर डाल के, ये हमारा जो बैंगन के भरते के लिए टमाटर, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है उसमें मैंने मटर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भून लिया है। भूनते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो मसला हुआ बैंगन है उसको भी डाल के, ये देखिए हमने बैंगन का जो मसला हुआ है वो डाल दिया है और हम अच्छे से इसको मिला देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स होने देंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं गया है, सिर्फ हमारा हल्दी और मिर्च, अदरक, लहसुन, इसी से ये भरता तैयार होगा। ये देखिए हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है, सारा अच्छे से मिल चुका है। इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ हल्दी, नमक और हरी मिर्च और लहसुन के साथ बना हुआ है। इसको प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला हुआ है। तो आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा। दीदी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।